है कि कंपनी कोई मतलब ये सोचो कि आप पे दया कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का बिजनेस हो रहा है, कंपनी 300 के माल को अपन 600 में बेचेंगे कि उसका माल बना के बेच रहे हैं। आज अगरबत्ती है ना, इसकी जो काढ़ी बनती है ना, अगरबत्ती पे जो पेस्ट लगाया जाता है, तो ये खाली अगरबत्ती है ये 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, 10 किलो बांस में लगभग 50% काढ़ी निकलती है। मतलब कुल मिला के ऐसे भी हम जब तक 500 पौधे नहीं लगाए तब तक हमारा काम ही स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, लगाना पड़ेगा वो देखो, तब तक तो स्टार्ट नहीं है, लगाने के बाद में होगा स्टार्ट। हाँ नहीं, आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप भी मोटिवेट करो, साथ ही साथ में कर दो। आपके साथ में 2000 लग जाए, 5000 लग जाए, हमें क्या बुराई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंपलेट इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है ना। आप हाँ बिल्कुल, आप तो जो समझो रेडी हो यार, अगर आप तैयार हो तो आप तो कभी से भी तैयार हो जाओ। देखो कि यदि किसान मतलब वो है, हमारा पीएनबी बैंक में खाता है कंपनी का, ठीक है ना, अपने कनेक्शन में पीएनबी बैंक है, ठीक है ना, उसको हम पैसे कितना लगवाना चाहता है बता दोगे कि इतने रुपए आप बैंक में पहले जमा कर लो, ठीक है ना। बैंक में जमा करें, आज स्लिप मिल जाएगी, स्लिप की आप दो फोटो कापी करोगे, ठीक है ना, फिर किसान को यहाँ लाओगे या मैं चले जाऊंगा, उसका पूरा फार्म भरेंगे, फोटो लगेगी, ठीक है ना, और उसके जमाबंदी जमा होगी और मतलब आधार कार्ड होगा, ठीक है ना, जमाबंदी फोटो कापी, हाँ जमाबंदी की फोटो कापी, और वो भी होगी जिसपे मतलब वो शुल्क वाली कटती 30 रुपए की, क्योंकि वही मान्य होती है। अच्छा। क्योंकि आगे उसको हमें सब्सिडी भी तो दिलानी है। अच्छा। चाहे आप हो चाहे कोई हो, तो वो शुल्क वाली चलेगी 30 रुपए, ठीक है ना, वेरीफाई होगी, फिर उसी को ये फार्म भर लेंगे और ये रसीद देंगे, ये 3 में रसीद है, ठीक है ना, ये रसीद है, तो ये रसीद 3 में आती है। जैसे ये एक रसीद उसको दे देंगे, एक अपने पास, एक हेड ऑफिस चली जाएगी, एक अपने पास रहेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके पास भी सबूत दे देंगे, एक इस ऑफिस में रह जाएगी, एक हेड ऑफिस चली जाएगी, ठीक है ना, और ये फार्म भर करके हेड ऑफिस चला जाएगा, ठीक है ना, ये सिस्टम है पूरा, और इस प्रकार से अपन को काम करना है। फिर उसके बाद में जो प्रमाण पत्र आपको दिखाया, ये कंपनी आपका 6 महीने में 4 महीने में प्रमाण पत्र देगी, आपको दिखाया था ना इधर। पौधा तो यार कोई सा भी लगाओ, कोई बेकार नहीं होता आज के समय में। ये देखो, ये वाला प्रमाण पत्र बना के देगी, इस पे कुछ साइन होते हैं एमडी के, ये पूरा देती है, समृद्धि में इतने सुरक्षा के लिए लगाई है, सहयोग प्रदान किया, ये प्रमाण पत्र, और ये प्रमाण पत्र है, कोशिश यही करते हैं एसडीएम तहसीलदार के द्वारा ही दिलाया जाए, कोई मंत्री के द्वारा, जैसे यहाँ हुई थी तो वहाँ के सारे प्रमाण पत्र है राजेंद्र राठौड़ ने दिए थे, ठीक है ना। तो ये चीजें आप पूरा देख रहे हो ना, पूरा सिस्टम इस प्रकार से चल रहा है। चाचा का हुआ है, आप ऐसे सोचो कि अगर आपने 250 लगा लिए और कोई गाड़ी आकर आपके 250 ले जाएगी तो कैसे ले जाएगी, 500 पौधों से नीचे तो 500 पे क्या है कि एग्रीमेंट करती है, 500 पे एग्रीमेंट, हाँ, क्योंकि उससे पूरा जो ट्रक वगैरह जो भी गाड़ी आएगी, माल माल जो आपका खरीदना है ना, तो वो 500 पे अपना माल निकल आता है, माल भी आप ही बिकवाओगे। अरे तो एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, 100 रुपए के स्टाम्प है, एग्रीमेंट हो गई सारी चीज लगाओगे, उसके 10-15-20 दिन बाद एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, खुद एमडी एग्रीमेंट करता है। अच्छा, हाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट का नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि माल का जो मेन मुखिया है, मालिक तो एक ही होता है घर का, तो वही तो सब पैसे की देख रेख करेगा ना, तो इसलिए उसका सारा चीज है वो एमडी करता है। अच्छा, तो इसलिए कि आपके 500 पौधे होंगे तो अपना मतलब की 100 टन माल या 150 टन माल निकल रहा है, तो हमारा जब तक 4-5 ट्रक माल नहीं निकलेगा तब तक उससे हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। ये हमारा ऐसा तो हो कि एक फैक्ट्री चल सके, एक कंपनी चल सके, तो इसलिए मिनिमम 500 का रखा है, ठीक है ना। माल तो सारा खरीदे, 5 पौधे लगाएंगे उनका भी खरीदेंगे, लेकिन उनको माल अपने सेंटर पे देना होगा। ऐसे मान लो कि हमने सेंटर हेंगोनिया बना लिया, ठीक है ना, वो अपने ट्रैक्टर में काट के लाए, हमारे तोल के जाएंगे, पैसा आप उनके खाते में पहुंच जाएगा, समझ रहे कि नहीं। लेकिन फिर गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी किस कितने के लिए जाएगी, तो उसके लिए वो माल उतना होना चाहिए, बल्क 500 पौधों के लिए जा सकते हैं। ये कंपनी तभी मांगती है कि आप किसान हो, कि आपके यहाँ से 100-150 टन माल नहीं आएगा।